नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे से जुड़े 12 जिलों के डीएम को दिए हैं निगरानी के निर्देश, साल के अंत तक पूरा करने को कहा। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का काम शुरू, विभागों में गठित होगी इन्वेस्टर एप्लीमेंटेशन यूनिट। कानपुर अग्निकांड पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, बोले दिखावटी भाजपाई संवेदना का शर्मनाक वीडियो। साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान, बोली बयानबाजी से बाज आए लोग संत आतंकवादी नहीं होते। विधायक अब्बास अंसारी को चित्रकूट में कासगंज जेल किया गया शिफ्ट, एसपी व 4 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद। विपक्ष ने कानपुर कांड पर सरकार को घेरा, अखिलेश का ट्वीट, ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, बोले किसानों की आय दोगुनी करनी नैनो यूरिया। हाथरस पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी धार्मिक ग्रंथ पर ना बोलने को दी नसीहत। संभल पहुंचे अजमेर शरीफ के अशरफी मदनी ने कहा बयान, बोले यह किसी की आस्था को नहीं पहुंचानी चाहिए ठेस। अजय राय का आरोप, राहुल का प्लेन बनारस आकर लौटा, एयरपोर्ट एरिया के लगाए 2 से 3 चक्कर, लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। आप नेता संजय सिंह पर सांप्रदायिक दुर्भावना की फाइल बंद, मुजफ्फरनगर में 2020 में सांसद पर दर्ज हुआ था मुकदमा। रामपुर के बजाय दूसरे जिले में ट्रांसफर हो आजम खान के केस, हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में 37 एएसपी का ट्रांसफर, लखनऊ के तैनात हरदेश कठेरिया नोएडा के एसीपी बनाए गए। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़, मुठभेड़ में शातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरैया में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई है मुठभेड़, मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को लगी गोली, 4 आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा लापरवाही को लेकर नगर पालिका परिषद के अधिशासी सख्त, डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने 2 सफाई कर्मियों को किया निलंबित। औरैया में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत, इटावा लोकसभा से सांसद रामशंकर कठेरिया ने किए 3 लाख का चेक दिया। बदायूं में पत्रकार सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में भारी मात्रा में पत्रकार बंधु हुए एकत्रित। बुलंदशहर के अनंदा डेयरी के किसानों को डोनेट किए गए बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट मिलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल। फिरोजाबाद में भारतीय वैश्य एकता परिषद की तरफ से किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, परिषद ने कहा कि 2 दिवसीय होगा महाधिवेशन। गाजियाबाद में बिहारी कॉलोनी में गैस रिसाव से हुआ धमाका, धमाके में 5 लोग गंभीर रूप से
घायल 2 मकान क्षतिग्रस्त। कुशीनगर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को किया है गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने चोरी की घटना का किया है खुलासा, घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। रायबरेली में त्योहारों को लेकर, त्योहारों पर शुद्धता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट, खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटलों व दुकानदारों के साथ मिलकर छापेमारी की है। गाजियाबाद में 20 सड़क स्टंटबाजी, चलती गाड़ी में खिड़की पर बैठे युवक का वीडियो वायरल हुआ। संभल में कावड़ यात्रा को लेकर कोतवाल प्रभारी का फरमान, ना लगाएं कावड़ यात्रा मार्ग पर ठेले व पटरी दुकान। सिद्धार्थनगर में दिखने लगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का असर, डीएम ने किया फिश फीड प्लांट का शिलान्यास। संभल में अखिल भारतीय व्यापार मंडल ने वैलेंटाइन डे का किया विरोध, विरोध करते हुए पुलवामा के 40 शहीदों को किया नमन। अनुप्रिया पटेल को लगा है बड़ा झटका, अपना दल एस के बागी नेता हेमंत चौधरी नई पार्टी के गठन का ऐलान किया। संभल में नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने की है बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित 2 अस्पतालों को किया सील। संभल में बिजली विभाग के गालीबाज जेई का कारनामा सामने आया है, गाली गलौज से गुस्साए किसानों ने जमकर की है नारेबाजी। संभल में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट, वॉयस रिकॉर्ड व कैमरे की निगरानी में होगी परीक्षा। संभल में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से की है मुलाकात, डीएम ने सरकारी आवास देने का दिया आश्वासन। अंबेडकर नगर में पेड़ काटते समय हुआ है बड़ा हादसा, पेड़ गिरने से 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में मंडी सचिव पर जानलेवा हमला, मंडी सचिव ने लगाया पिटाई और गाड़ी में टक्कर मारने का आरोप। हमीरपुर में प्रेमिका मिलने नहीं आई तो खुद को प्रेमी ने मारी गोली, प्रेमिका को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। आगरा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग का किया है खुलासा, आरोपी को किया गिरफ्तार। राज्य सरकार ने उस शिक्षा निदेशक को पद से हटाया, उस शिक्षा परिषद मुख्यालय से अटैच किए गए अमित भारद्वाज। लखीमपुर में 2 बाइकों में आमने सामने भीषण टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य और भाजपा नेता बनवारी लाल दोहरे का निधन हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। मेरठ में अज्ञात युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, युवती की नहीं हुई है शिनाख्त, खरखोदा क्षेत्र के जमनागर का मामला है। एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता, एसटीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया है गिरफ्तार।
रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित पलटी कार पलटने से सवार लोगों में मची चीख-पुकार, सभी लोगों की बाल बाल बची जान। लखनऊ में जलकल विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। जलकल विभाग के लापरवाही से पाइपलाइन टूटने से हो रही है पानी की बर्बादी। कानपुर में मां और बेटी की जलकर हुई है मौत। बिठूर में हुआ मां बेटी का अंतिम संस्कार। कब्जा हटवाने के समय जिंदा जली थी दोनों। कानपुर में एसएससी की परीक्षा देने आई छात्रा से रेप। आरोपी ऑटो चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मनीष गुप्ता की हत्या में शामिल थे 7 लोग। सबूत जुटाने फिर गोरखपुर पहुंची सीबीआई। मनीष के ब्रेसलेट का लगा रही है पता। रुकने से पहले कर्मचारी ने झूले का लॉक खोला। अलीगढ़ में 6 लोग उछलकर गिरे, 2 गंभीर घायल। एडीएम ने दिया नोटिस। पत्नी को गोली मारकर भागा पति। मथुरा में दरवाजे पर खड़ी थी पुलिस। 8 महीने पहले प्रेमी संग भागी थी महिला। प्रेमी ने मौत के बाद प्रेमिका ने दी जान। 24 घंटे के अंदर एक ही बाग में दोनों ने फांसी लगाई। घरवाले शादी के खिलाफ थे। मुरादाबाद में प्रेमी जोड़े से बदसलूकी। वैलेंटाइन डे पर पार्क में रोककर किया परेशान। जबरन प्रेमिका से बंधवाई राखी। ₹200 के लेनदेन के विवाद में गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरनगर के राजपुर गांव में चली गोली, 2 बच्चों सहित 3 घायल। आगरा में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर हुई खाक। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर पाया आग पर काबू। गाजियाबाद में जिंदा जलकर बुजुर्ग की मौत हुई है। दूसरे फ्लोर पर खाना खाते खाते अचानक उठने लगी लपटें। परिवार नीचे रहता था। उधार के रुपए मांगने गए युवक की काटी नाक। उन्नाव में आरोपियों ने बहरेमी से पीटा। 2 साल पहले दिया था ₹30,000। अवैध टेलीफोन से आतंकी कनेक्शन की आशंका। लखनऊ के आजमगढ़ के सराय मीर का सरफराज चला रहा था एक्सचेंज। सुल्तानपुर में लखनऊ बलिया नेशनल हाईवे पर हादसा। डीसीएम ने साइकिल सवार युवक को रौंदा, 1 की मौत। लखनऊ में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर। पुलिस की हिरासत में 2 दोस्त। हापुड़ में महाशिवरात्रि को लेकर हाई अलर्ट। एसपी ने 3 जोन और 10 सेक्टरों में बांटा जिला। ड्रोन से रखी जाएगी नजर। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी ने प्रेमिका की दहलीज पर खाया जहर। मुलाकात ना होने से था परेशान। प्रेमी बोला 10 साल पुराना प्यार। नाम और धर्म बदलकर एमबीबीएस छात्रा से बनाए संबंध। फोटो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। प्रेमिका के घर के बाहर प्रेमी को लगी आग। पिता बोले घर आ रहा था, पड़ोसी ने पेट्रोल डालकर जला दिया। मथुरा में 15,000 का इनामी गिरफ्तार। साइबर ठगों को उपलब्ध कराता था सेफ बैंकिंग। मऊ में एसपी ने किए सघन चेकिंग। 325 वाहनों का किया चालान। यातायात नियमों के
पालन करने की है अपील। आगरा में हाईवे पर टैंकर ने बस को मारी है टक्कर, 8 महिला हुई घायल, फिरोजाबाद से जा रही थी अलीगढ़। गोंडा में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, 5,90,000 के नोट सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, कार व नकली पिस्टल भी मिली है। झांसी में तैयार हो रही थी स्पेशल 26, फर्जी सीबीआई ऑफिसर अरेस्ट, मुस्लिम परिवार में वाहिद बनकर रुका था बलराज। पुलिस मुठभेड़ में तस्कर को लगी है गोली, बरेली में गाय के बछड़े को काटने से पहले गौकशों को पकड़ा। बलिया में छत से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल, पीएससी से जिला अस्पताल रेफर, काम के दौरान संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। कौशाम्बी में लव जिहाद का में महिला की हत्या हुई है, परिजन बोले संपत्ति हड़प कर धन परिवर्तन का बना रहा था दबाव। बहराइच में एसडीएम ने चलाया अतिक्रमण अभियान, 13 दुकानदार को दिया नोटिस, लान रंग से बनाया घेरा। बरेली में महाशिवरात्रि को लेकर पीएस कमेटी की बैठक, बरेली में भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा महाशिवरात्रि पर्व। चंदौली एसपी ने धानापुर थाना क्षेत्र को किया लाइन हाजिर, निर्दोष को फर्जी तरीके से भेजा था जेल। मुजफ्फरनगर में खेतों में मिले जानवरों के अवशेष गौवंश का बताकर हिंदूवादी संगठनों का हंगामा, पुलिस ने जांच के लिए भेजे अवशेष। मेरठ में 13 हत्याकांड के मुख्य आरोपी इजलाल को हाईकोर्ट से मिली है जमानत, 14 साल से जेल में बंद था आरोपी हाजी इजलाल। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।